The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, क्या आपके भी गर्दन पे इस प्रकार का निशान है? इसे हम कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये गर्दन पर कालापन बीमारी का इशारा हो सकता है और इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो ठीक करना या इसको पहचानना ज़रूरी है आपके लिए। आज इसके ऊपर एक वीडियो है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ज़रूर देखिएगा अंत तक और इसको समझते हैं क्या चीज़ है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक चमड़ी की बीमारी है, स्किन डिसऑर्डर, जिसमें कुछ हिस्से, खासकर वो हिस्से जो चमड़ी के आपके फोल्ड, जहाँ पर फोल्ड आते हैं, जैसे गर्दन पे फोल्ड आता है, एल्बो पे या आपके रिस्ट पे या आपके थाइज पे, जहाँ जहाँ फोल्ड आता है, उन फोल्ड वाले, बॉडी फोल्ड्स वाले या क्रीजेज वाली जगहों पर या तो कालापन आने लगेगा, डार्कनेस, या मोटी चमड़ी हो जाएगी, थिकनेस, या वेलवेट जैसी चमड़ी हो सकती है। ऐसा हो सकता, कई कारण हो सकते हैं इसके। और बहरहाल जिन लोगों का सिर्फ वजन थोड़ा बड़ा होता है, ओवरवेट लोगों में ऐसा हो सकता है, या कुछ इंटरनल बीमारियों के वजह से ऐसा हो सकता है। सो इंटरनल बीमारियां कौन सी? मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खासकर हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, मोटापा, उन लोगों, ओवरवेट कंडीशंस के वजह से आपकी बॉडी में इस प्रकार के चेंजेस मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, आप पानी ज़्यादा पीते हो कि नहीं। फिर कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम, ऐसा उनमें भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिसमें कालापन है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसा नहीं। और कुछ प्रकार के कैंसर्स में भी हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं कि जिसमें कालापन है उसमें कैंसर, नहीं। एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसके अंदर कोई और इशू नहीं है, फिर भी उनमें ऐसी चीज़ें आने के रिस्क रहते हैं, क्योंकि हर एक का हार्मोन एग्जैक्टली ऑप्टिमल लेवल पर नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंस कई लोगों में कुछ ना कुछ मात्रा में आते हैं। और अगर आप कोई दवा ले रहे हो, कोई ग्रोथ हार्मोन, बर्थ कंट्रोल पिल, कोई सेक्स हार्मोन पिल, कोई बॉडी बिल्डिंग पिल, तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसे निशान आ सकते हैं, कालापन आ सकता है। तो सिम्टम्स में देख के समझ में आ जाएगा। और कई लोगों में ये स्लोली आते हैं, कई लोगों में कोई और प्रॉब्लम नहीं आती, कोई चमड़ी में कोई बीमारी नहीं आती, कोई किसी प्रकार के कैंसर वैंसर नहीं होता चमड़ी का। अगर आपके केस में ऐसा कोई डार्कनिंग ऑफ द स्किन है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर है कहीं पर भी, उंगलियों में या फिर बगलों में या घुटनों में या कहीं पर भी, तो सबसे पहले आप अपना वेट लॉस करने की कोशिश करें। इसके लिए कोई अलग से डायग्नोसिस या टेस्ट की ज़रूरत नहीं है कि भाई अलग से कोई ब्लड टेस्ट कराना है या स्किन बायोप्सी लेनी है, बहुत ही ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है। बिना किसी टेस्ट के आँखों से देखने से समझ में आ जाता है। आप अंदरूनी बीमारी, अंडरलाइन डिजीज समझने के लिए, शुगर लेवल, आपके इंसुलिन लेवल समझने के लिए कि कहीं कोई इंटरनल डिजीज तो नहीं है, वो देखने के लिए ज़रूर टेस्ट किए जा सकते हैं। कहीं कोई बॉडी में कोई और छुपी हुई बीमारी तो नहीं है, कोई एंडोस्कोपिक एक्सरे जो भी, जिसकी बीमारी समझने के लिए, जो बीमारी आपको लग रही है, आपकी उम्र और रिस्क फैक्टर के हिसाब से, उसके हिसाब से टेस्ट किए जा सकते हैं। उस काम आपके डॉक्टर का है। तो आपका क्या करना है? आपको अपने डॉक्टर से बात करना है, एक अपना हेल्थ चेकअप कराना है और बेस लाइन अपना वजन कम करना शुरू करिए। पानी ज़्यादा पिए, दौड़िए, भागिए। ऐसा कोई क्रीम लगाने से काम नहीं होगा, नींबू से घसने का काम नहीं होगा। सो नो सच ट्रीटमेंट इज नीडेड, ओनली थिंग यू नीड कि आप उस एरिया को मॉइस्चराइज करें। उस एरिया पे आप कुछ लाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स लगा सकते हैं, जैसे ट्रेटोनॉइन, हाइड्रोक्विनोन, मगर दे विल नॉट एक्चुअली, वो अंडरलाइन डिजीज नहीं ठीक कर देंगे। तो अंडरलाइन डिजीज को ढूंढना जरूरी है, तो अपने टेस्ट करना जरूरी है। हाँ, वेट लॉस कर, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा दिन बैठे रहते हैं, फिर कहीं भी दवाई लगा लो, गोली खा लो, सब ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको बेसलाइन प्रॉब्लम ठीक करना। बेसलाइन प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर नॉट एक्टिव, यू आर गेनिंग वेट, यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, यू आर ओवरवेट, यू आर डायबिटिक। ये बेसलाइन प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करो, उसको अंडर कंट्रोल लाओ, बेसलाइन प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो ये अपने आप ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स ठीक हो जाएगा। उसके साथ मॉइस्चराइज करो, कुछ क्रीम्स लगाओ। नहीं हो रहा, अल्टीमेटली लेजर ट्रीटमेंट एक ऑप्शन है। अंडरलाइन मेडिकल डिजीज प्रॉब्लम डायग्नोस करना, उसको ठीक करना प्राइमरी रिजल्ट है। लूजिंग वेट विल इंप्रूव योर कंडीशन, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ओबेसिटी से रिलेटेड है। सो याद रखो, यहाँ पर डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। पिगमेंट डिसऑर्डर है, ये पिगमेंट जमा होता है बिकॉज ऑफ hormonal imbalances or not taking care of your body, of your skin, of yourself. ओके सो सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे खाइए, सही टाइम पे एक्सरसाइज करिए, नींद अच्छी लीजिए और स्ट्रेस फ्री रहो. ऐसी बीमारियों के लिए डॉक्टर से कांटेक्ट करो. थैंक यू सो मच. प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड डोंट वरी, एवरी सिंगल डिजीज विल बी कवर्ड इन दिस चैनल एंड एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन विल बी 100% वेरीफाइड एंड ऑथेंटिक. दिस इज डॉक्टर एजुकेशन. प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.